फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे जनरल स्टेप्स टू टेक्निकल इवैल्यूएशन। अगर हमें टेक्निकल इवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, उसमें बेसिकली तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है ब्रॉड मार्केट एनालिसिस, दूसरा होता है सेक्टर एनालिसिस और तीसरा होता है इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस। ये देखिए, अभी क्या होता है ब्रॉड मार्केट एनालिसिस, क्या होता है, जैसे हम वो पढ़े थे इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस, सेम उसी की तरह ये भी है कि एक ब्रॉड मार्केट एनालिसिस एक उस मार्केट का, जो भी आप शेयर्स खरीदने या बेचने जा रहे हैं, वो कंपनी, वो शेयर्स हो गई, वो कंपनी हो गई, वो और वो क्या होगी, किस मार्केट में है वो कंपनी, तो ये क्या होगी ब्रॉड मार्केट एनालिसिस, कि उस मार्केट का पूरा एनालाइज करना कि उस मार्केट का उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सेक्टर एनालिसिस मतलब वही कंपनी के बारे में एनालाइज करना, वो जिस भी सेक्टर में काम कर रही है उसके बारे में पूरा एनालाइज करना कि कैसे वो उसका इफेक्ट पड़ रहा है उस शेयर्स पे। इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस, इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस का मतलब क्या है, जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके बारे में, केवल उसी शेयर्स के बारे में एनालिसिस करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस। और इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस लाइज इन द वर्चुअलिटी बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ईच ऑफ द एनालिसिस स्टेप्स अबव कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग सम थियोरेटिकल बैकग्राउंड। देखिए क्या बोल रहा है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये हर जगह, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे लार्ज शेयर बेच खरीद रही हो चाहे स्मॉल शेयर्स खरीद बेच रही हो, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसको हम लोग हर जगह एप्लीकेबल मतलब यूज़ कर सकते हैं। और ये जो भी ऊपर आपको दिया गया है स्टेप्स, वो क्या है, किसी ना किसी थियोरेटिकल बैकग्राउंड से ही आया है, इसके पीछे कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड है। तो यही बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं टेक्निकल इवैल्यूएशन के। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।